दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको चाइनीज लोगों का सीक्रेट बताऊंगा कि वो पैसे कैसे सेव करते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि चाइना में ग्रॉस सेविंग रेट 46% है, मतलब हर 100 रुपए जो वो कमाते हैं उसमें से लगभग 46 वो सेव कर लेते हैं, जबकि इंडिया का ग्रॉस सेविंग रेट 30% के आसपास होता है। तो इतना बड़ा गैप क्यों है और चाइनीज लोग पैसा सेव करने में इतने अच्छे कैसे हैं? सबसे पहला रीजन तो कल्चरल है। हम इंडियंस को हमेशा सेल्स, डिस्काउंट्स और फाइनेंसिंग ऑप्शन से ललचाया जाता है, और हमारे रिश्तेदार और पड़ोसी क्या कर रहे हैं उसका प्रेशर भी तो हम पे रहता है। जैसे अगर किसी ने 10 लाख की कार ली है तो हमें भी तो वैसा ही कुछ चाहिए होता है। लेकिन चाइना में सब कुछ अलग है, वहाँ ज़्यादा एम्फेसिस होता है पैसा सेव करने पर। इस वीडियो में आगे जाकर मैं आपको माइकल जस्टिन ली की बुक द चाइनीज वे टू वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी से बताऊंगा कि चाइनीज लोग कैसे पैसा सेव करते हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि चाइनीज लोग पैसों को इतना इंपॉर्टेंस ही क्यों देते हैं। अगर आप सीधा सीधा सीक्रेट जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स डाल दिए, आपके हिसाब से चैप्टर्स देख सकते हो। मेरी सलाह यह है कि वीडियो पूरी देखो, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेंगी। शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ मनी इन चाइनीज कल्चर। चाइनीज कल्चर में बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि पैसा सेव करना एक बहुत बड़ी बात है। नए साल और बर्थडेज पर बच्चों को रेड एनवलप्स में पैसे दिए जाते हैं, जिसे लकी मनी कहते हैं, और उनके पेरेंट्स उन्हें एनकरेज करते हैं कि वो पैसा सेव करें। चाइनीज लोग पैसे को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? उनके लिए पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं बल्कि इज्जत और सफलता का एक प्रतीक है। रॉनी चेंग जो एक फेमस कॉमेडियन है, उन्होंने एक बार कहा था कि चाइनीज न्यू ईयर के टाइम पर लोग एक दूसरे को गोंग जी फासाई कहते हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि इसका मतलब होता है होप यू गेट रिच, यानी मेरी दुआ है कि आप अमीर बन जाओ। हैप्पी न्यू ईयर के बजाय वो एक दूसरे को अमीर होने की शुभकामनाएं देते हैं। ये बात मजाक लगती है लेकिन ये सच है। चाइनीज कल्चर में अगर किसी के पास पैसा है तो उन्हें सफल समझा जाता है, और सफलता सिर्फ एक अमीर इंसान की इमेज नहीं बल्कि उनका सोशल स्टेटस भी बढ़ा देती है। नंबर 2, वन चाइल्ड चाइनीज पॉलिसी। 2016 तक चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी थी। इसका मतलब था कि हर परिवार सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकता था। अगर किसी परिवार ने एक से ज्यादा बच्चे पैदा किए तो उन्हें फाइन देना पड़ता था। इसका असर यह हुआ कि लोग ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे थे, जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो हो गई। एक और बात यह थी कि बहुत सारे लोगों ने मेल बच्चों को प्रेफर किया। चाइना में एक लड़के को फैमिली नेम और प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इस वजह से सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन भी बढ़ने लगे। ऐसा होता गया कि लड़कों की संख्या लड़कियों के मुकाबले ज्यादा होने लगी। एक पॉइंट पर रेशो 122 मेल्स पर 100 फीमेल्स तक पहुंच गया। इसका एक इम्पैक्ट यह भी था कि लड़के अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ज्यादा पैसा कमाने और सेव करने लगे, क्योंकि भाई लड़कियों की कमी है और शादी उस लड़के की होगी जो ज्यादा कमाता होगा, जिसका स्टेटस अच्छा होगा। और क्योंकि लोग सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर रहे थे, परिवार भी पैसा सेव कर रहे थे क्योंकि उन्हें ज्यादा बच्चे नहीं पालने पड़ रहे थे। नंबर 3, लैक ऑफ रिटायरमेंट प्लान्स। चाइना में कोई रिटायरमेंट स्कीम्स नहीं होती, वहाँ पेंशन सिस्टम है, लेकिन बहुत सारे लोग इस सिस्टम पर भरोसा नहीं करते। लोगों को लगता है कि जब वो रिटायर होंगे तो शायद ये सिस्टम ना रहे। इस वजह से चाइनीज लोग अपनी हेल्थ केयर, एजुकेशन और रिटायरमेंट का खुद ध्यान रखते हैं। यही वजह है कि वो अपने फ्यूचर के लिए ज्यादा पैसा सेव करते हैं। नंबर 4, सीक्रेट टू चाइनीज सेविंग्स। अब हम आ रहे हैं असली सीक्रेट पे कि चाइनीज लोग पैसा कैसे इतना सेव करते हैं। सीक्रेट ये है कि वो अपने एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं। चाइनीज लोगों को हमेशा पता होता है कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। वहाँ एक बजटिंग सिस्टम है जो इसमें हेल्प करता है, जिसे कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप अपनी मंथली इनकम का एक एक पैसा एलोकेट करते हो ताकि मंथ के एंड में आपका बैलेंस जीरो हो जाए, मतलब आपकी इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू जीरो। अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो तो आपको अपना रेंट, ग्रोसरीज, नेसेसिटीज के लिए बजट बनाना पड़ेगा। फिर आपको अपने सेविंग्स, इमरजेंसी फंड, स्टूडेंट लोन पेमेंट जैसे एक्सपेंसेस का भी ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे आप देखोगे कि बजटिंग के बाद मंथ के एंड में आपके पास जीरो बचता है, यानी खर्चा होने वाला पैसा खर्च हो जाता है और सेव होने वाला पैसा सेविंग्स और इमरजेंसी फंड में चला जाता है, लेकिन हर पैसा अकाउंटेड होता है। नंबर 5, लिविंग ऑन लेस। चाइनीज लोग अपनी इनकम का बहुत छोटा हिस्सा खर्च करते हैं। चाइनीज लोगों का सिंपल प्रिंसिपल है, जितना कम खर्च कर सकते हो करो ताकि कभी भूखा ना सोना पड़े, और यह एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट है जो चाइनीज लोग अपनाते हैं। लेकिन अगर आप वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो यह प्रिंसिपल हमेशा काम नहीं करेगा, क्योंकि आप पैसा सेव तो कर रहे हो पर एक टाइम के बाद यह स्कार्सिटी माइंडसेट क्रिएट करने लगता है। मतलब आप हमेशा पैसा बचाने के डर में जीते हो और अपने माइंड को लिमिट कर लेते हो कि आपको कम में ही गुजारा करना है। स्कैसिटी माइंडसेट का मतलब है कि आप हमेशा शॉर्टेज को फील करते हो और ये सोचते रहते हो कि आपके पास कभी भी पैसे की कमी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आप अपना माइंडसेट भी अपग्रेड करो। आप एक अबंडेंस माइंडसेट अडॉप्ट कर सकते हो। इसमें आप ये मान के चलते हो कि आपके पास कमाने की और अपॉर्चुनिटीज हैं, इन्वेस्टमेंट की और अपॉर्चुनिटीज हैं। मैंने SIP पर एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड की है, मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर देखना, बहुत काम की बातें हैं, सब नहीं बताते ये बातें। नंबर 6, नीड्स वर्सेज वॉन्ट्स।
चाइनीज लोग अपने नीड्स और वांट्स के बीच में बहुत क्लियर लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर कोई चीज नीड है, जैसे हेल्थ रिलेटेड चीजें, तो उसमें खर्च करने से वो कभी नहीं घबराते, लेकिन वो अपनी वांट्स के लिए आसानी से पैसे नहीं उड़ाते। हर किसी को कपड़े चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुच्ची के कपड़े खरीदने जाओ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्रांडेड है। नीड है, पर जरूरी नहीं कि आप उस नीड को लग्जरी के साथ पूरा करो। यहाँ पे आइडिया ये है कि आप अपने खर्चों को समझदारी से हैंडल करो और जहां सेव करना हो वहां जरूर करो। जब बात वांट्स की आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपको पसंद हो आप वो बिल्कुल नहीं खरीद सकते, लेकिन जब आप कुछ खरीदते हो जो सिर्फ आपका मन चाहता है, तो इंश्योर करो कि आपको उस चीज से अच्छी वैल्यू मिले। मतलब ये है कि आप ऐसे चॉइसेस करो जो आपको लॉन्ग टर्म फायदा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5,000 का फैंसी वॉलेट खरीद लिया क्योंकि आप उसे सच में चाहते थे। अब आपको ये देखना है कि क्या ये वॉलेट आपके पास लंबे समय तक चल सकता है। सपोज आपने डिसाइड किया कि ये वॉलेट आपको 5 साल तक चल सकता है, इसका मतलब ये होगा कि आपने अपने 5,000 रुपए को 5 साल के यूजेज पे स्प्रेड कर दिया। तो अगर आप कैलकुलेट करो तो आपका ये वॉलेट हर दिन के यूजेज के हिसाब से less than 3 रुपए का हो जाता है। ये एक रीजनेबल और स्मार्ट खर्चा है। पैसा खर्च करना टाला नहीं जा सकता, हर कोई कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो खरीदेगा, लेकिन लेसन ये है कि आप अपने मोस्ट डिसीजंस में रीजनेबल और फ्रुगल रहो। जहां नेसेसरी हो वहां सेव करो और जहां आपकी वांट आती हो तो उसमें वैल्यू ढूंढो। नंबर 7, ईटिंग एट होम। चाइनीज लोग अपने खर्चे कंट्रोल करने के लिए बहुत कम बाहर खाना खाते हैं। चाइना में घर पे ग्रुप डिनर्स का होना ज्यादा कॉमन है। ईटिंग आउट इज रिजर्व फॉर स्पेशल ओकेशंस। यह प्रिंसिपल काफी कल्चर्स में कॉमन है। जब हम बाहर खाते हैं तो हम जरूरत से ज्यादा पैसा खाने पर खर्च कर देते हैं। मैं भी अपने घर में यही देखकर बड़ा हुआ हूँ। हम सिर्फ स्पेशल ओकेशंस पर ही बाहर खाते हैं। ज्यादातर सोशलाइजिंग के लिए हम घर पर ही डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं दोस्तों और फैमिली को बुलाकर। यह ना सिर्फ पैसे बचाने का एक तरीका है बल्कि फैमिली बॉन्डिंग का भी एक तरीका है। बाहर खाना हमारे लिए एक लग्जरी है जो हम स्पेशल मोमेंट्स के लिए सेव करते हैं। तो अगर आप भी अपने बजट को कंट्रोल में रखना चाहते हो तो घर का खाना आपकी स्ट्रेटेजी हो सकता है। आई होप ये चाइनीज सेविंग्स की टिप आपको इंस्पायर करेगी पैसा सेव करने के लिए। अगर ये टिप्स आपको हेल्प करे तो कमेंट में जरूर बताइए। गोंग जी फासाई, यानी मेरी दुआ है कि आप अमीर बनो। यहां तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में गोंग जी फासाई लिख देना ताकि मुझे पता चल जाए कि यहां तक किन किन लोगों ने देखा है और मुझे आपकी शुभकामनाएं भी मिल जाए। तो मैं इस वीडियो को कर देता हूं समराइज। देखो, पहला यह है कि चाइनीज कल्चर में अगर किसी का पैसा है तो उसे ही सफल माना जाता है, और सफलता सिर्फ एक अमीर इंसान की इमेज नहीं बल्कि उसका सोशल स्टेटस भी बढ़ा देती है। दूसरी थी वन चाइल्ड पॉलिसी। इसके इम्पैक्ट की वजह से लोग ज्यादा पैसे सेव करते थे 2016 तक, और वो आदत उन्हें अब भी लगी हुई है। तीसरा था लैक ऑफ रिटायरमेंट प्लान। चाइना में कोई रिटायरमेंट स्कीम्स नहीं थी, इसलिए लोग खुद अपने हेल्थ केयर, एजुकेशन और रिटायरमेंट का ध्यान रखते हैं। चौथा था सीक्रेट टू चाइनीज सेविंग, वो ये था कि वो अपने एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, वो जीरो बेस्ड बजटिंग करते हैं। पांचवा था चाइनीज लोग कम पर जीते हैं। उनका सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जितना कम खर्च कर सकते हो करो ताकि कभी भूखा ना सोना पड़े। छठा था कि वो नीड्स पर खर्च करने में कभी नहीं घबराते और वांट्स पर खर्च करने से पहले 100 बार सोचते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में ज्यादातर जगहों पर पीने का पानी साफ नहीं आता। मैं मेरे शहर औरंगाबाद की बात करूं तो यहां तो हालत बहुत ही खराब है, लेकिन एक एवरेज इंसान घर में वाटर फिल्टर लगाने की बजाय उसका ध्यान होता है कि वो आईफोन ले ले ईएमआई पर। वहाँ नीड है वाटर फिल्टर, वो हर महीने बीमार हो रहा है, उसे जॉन्डिस हो रहा है, उसे टाइफाइड हो रहा है, लेकिन वो नहीं खर्च करता अपनी नीड पर बल्कि वो वांट पर ईएमआई पर महंगा फोन उठा लेता है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इंडियन मेंटालिटी एंड चाइनीज मेंटालिटी। नंबर 7 था ईटिंग एट होम। चाइनीज लोग ज्यादातर घर पर खाना खाते हैं। अब वो चमगादड़ जो वुहान में जिससे कोविड फैला वो भी घर पे खाया था या बाहर, ये तो नहीं पता मुझे। आप एक काम करिए, ये बुक ऐप डाउनलोड कर लो जहां पर आप 400 से ज्यादा फ्री बुक समरी सुन सकते हो हिंदी में बिना किसी एड्स के। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।